हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ आई के बारे में, मतलब कि आँख का जो भाग होता है उसके बारे में। देखिए, इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, स्क्लेरा, क्लोराइड एंड रेटिना। स्क्लेरा में एक्सटर्नल लेयर को हम लोग कोलेजन बोलते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया होता है, ठीक है। और हम लोग कोराइड को भी हम लोग बांटते हैं, इसके पोर्शन दिखाया गया है, जो देखिए मिडिल लेयर, डेंस वेस्कुलर लेयर एंड लुक्स ब्लूइश, एक ऐसा दिखता है ब्लूइश नीले रंग का। और इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो सिलियरी बॉडी प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट, ठीक है। आयरिस देख लीजिए, ये क्या होता है, पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर होता है ये, विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, ठीक है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक, अपर्चर सराउंडेड बाय आयरिस, जिसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, ठीक। रेटिना के बारे में देखते हैं, ये इनर लेयर, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए, रेटिना को भी हम लोग इतने भागों में, मतलब कि उसको दर्शाया गया है कैसे कैसे ये किस में पाया जाता है या कैसे कैसा होता है। देखिए, रेटिना को हम लोग इसको इतने में बांटते हैं, पहला गैंग्लियोनिक सेल जो इनसाइड होता है, बाइपोलर सेल और फोटोरिसेप्टर सेल जो आउटसाइड होता है। अब देखिए, फोटोरिसेप्टर सेल को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, और रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में, ठीक है, ट्यूलाइट, ठीक है, ट्यूलाइट या स्कोटोपिक विजन, ठीक है। अब देखिए, रोडोप्सिन, फोटोपिगमेंट, ठीक, ये आपका होता है पर्लिस, ठीक है, जो पर्पल कलर का, इसी दिखाया गया है पर्पलिस, यानी कि जो पर्पल कलर होता है वही होता है इसमें पर्पलिस। रेड प्रोटीन विजुअल पर्पल, इट्स डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अब देखिए, कॉन्स के बारे में क्या दिखाया गया है, कॉन्स डे लाइट विजन, फोटोपिक विजन, फिर कलर विजन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स, फोटो पिगमेंट्स रिस्पॉन्ड टू रेड ब्लू एंड ग्रीन,